good morning. So this good morning is from Udhampur and today is 12th June. आज का मेरा प्लान था श्रीनगर के पास या श्रीनगर या श्रीनगर को क्रॉस कर लूँ, बट एज यू नो यस्टरडे मेरी बाइक का जो आगे का ब्रेक था वो एक लोकल मैकेनिक ने बिगाड़ दिया. सो पूरा मेरा दिन वहीं पे वेस्ट हुआ. एंड अगेन थैंक्स टू भलाई होंडा पठानकोट, बहुत हेल्प की उन लोगों ने मुझे. आज मेरा प्लान ये है कि कारगिल या तो उससे आगे कहीं पे या तो फिर ले, जैसा मुझे जोजिला पास में कैसा ट्रैफिक मिलता है, सोनमार्ग में कितने बजे पहुंचता हूँ उसके ऊपर डिपेंड करेगा. सो सोलो राइड में मज़ा तो आ रहा है. एक्चुअली मज़ा इस बात का आ रहा है कि मुझे जो करना है मैं वो सब कर रहा हूँ. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को पूछ रहा हूँ चलो ये करना है, चलो यहाँ पे रुकना है. सो दैट इज़ फन. और अभी तो पूरा एयरटेल का मैं 4G लेके आया हूँ, बहुत अच्छा 1 Mbps का मुझे स्पीड मिल रहा है डाउनलोडिंग स्पीड. तो यहाँ कश्मीर जम्मू में एरिया, तो आगे भी जहाँ जहाँ पे टावर मिलेगा वहाँ एयरटेल 4G चलने ही वाला है. तो जितने भी मैं जिससे कनेक्टेड हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली है, वाइफ है, सबसे मैं बात करता रहता हूँ, तो ऐसा लगता नहीं है कि मैं अकेला हूँ. सो आई एम हैविंग फन. इतना सा कमरा है मेरा, ये रूम, और यहाँ पे बालकनी है, एसी है. एसी के लिए तो 1400 रुपये दिए. वॉशरूम अच्छा है. अब हम चलते हैं. बाइक इज़ रेडी, सामान लगा दिया है और यहाँ पे रुका था होटल हाईवे उधमपुर. अब प्लानिंग ये है श्रीनगर क्रॉस करके आगे चलना है, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं. और आज मौसम बहुत अच्छा है. उधमपुर से रामबन आने में मुझे 2-2.5 घंटे लग गए हैं, और मतलब कि एक जगह पे कहीं पे लैंडस्लाइड हुआ था, जो एक वीडियो था बहुत फेमस लैंडस्लाइड का, उसी के पास वहाँ पे ही लैंडस्लाइड हुआ था. तो रामबन शहर में से मैं आया हूँ और वो 20-25 किलोमीटर काटने में मुझे कम से कम 2-2.5 घंटे लग गए हैं. सो मेरी एक आदत है कि मैं हॉस्पिटल रूम से निकलने के बाद 20-25 किलोमीटर चलने के बाद एक बार रुकता हूँ, सारा सामान चेक करता हूँ, या तो चेन लूप करने के बहाने या तो एयर प्रेशर चेक करने के बहाने मैं एक बार रुक जाता हूँ, पूरा बाइक एक बार इंस्पेक्ट कर लेता हूँ कि कहीं से कोई लीक तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, सामान सही है. बिकॉज़ एक दो इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं मेरी राइड में जिसने मुझे ये बात सिखाई है, और मैं आप सबको भी यही कहूँगा कि आपको एक बार रुक के चेक कर लेना चाहिए. आज सुबह से निकला हूँ तब से ट्रैफिक जैम जैम जैम, मतलब एक घंटा भी मैं ठीक से चला नहीं पाया हूँ, और फिर से यहाँ पे जैम मिल गया है. पता नहीं क्या हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ है, क्या हुआ है, किसी से पूछा नहीं है मैंने. आगे चल के देखते हैं. Thank you.
लोकल फ्रूट है एंड काफ़ी देखा मैंने रास्ते में, सो आई ट्राइड. अच्छा है फ्रूट, अच्छा है ये. आई सो एक्चुअली अगर आप यहाँ पे आते हैं तो खाना पीना तो पता नहीं कैसा रहेगा नहीं रहेगा. फ्रूट्स खाने चाहिए आपको रास्ते में एंड लोकल फ्रूट्स तो ऑब्वियसली खाने ही चाहिए. जल्दी जल्दी हटा लो, किसका है? अब जहाँ पे लैंडस्लाइड हो रही थी वहाँ से मैं जल्दी जल्दी भाग गया बिकॉज वहाँ पे सब लोग चिल्ला रहे थे कि यहाँ से निकलो यहाँ से निकलो. अब 2 बज गए हैं और ये हमारा फेवरेट ढाबा है. ये 3rd time मैं यहाँ पे रुका हूँ, शर्मा जी वैष्णो ढाबा. और अच्छा ढाबा है, अच्छा खाना मिलता है. मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने यहाँ पे राजमा चावल ही खाया है, आज भी वही खाने का मन है. तो राइट नाउ अभी बेलियाल से थोड़ा आगे हैं पहले है, और बहुत जाम था अभी आगे, ट्रैफिक जाम बहुत मिला तो रास्ता बहुत कटा नहीं है. शर्मा वैष्णो ढाबा. वहाँ से निकलने के बाद भी लैंडस्लाइड हो रही थी और अभी बारिश हो रही है तो छोटा मोटा लैंडस्लाइड होता रहता है, बट वो एक रास्ता बंद कर देता है. अभी मैं वापस वो ट्रैफिक नहीं दिखा रहा हूँ आपको, बट मेरे पूरे मुंह में आँख में नाक में हर जगह पे मिट्टी जमा हो गई है. नज़ारे यहाँ पे अच्छे हैं तो कहीं पर रुक के फेस वॉश करने का मन कर रहा है. कम से कम 20-25 किलोमीटर का जैम था और 2 घंटे से जाम में घूम रहा हूँ. हर जगह पे मिट्टी चली गई है, आँख में नाक में, आज पता नहीं कहाँ तक पहुँचेंगे. 2 दिन से ऐसे ही हो रहा है, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है. यहाँ का नज़ारा बहुत बढ़िया है, चलो आपको दिखाता हूँ. सुबह से निकलने के बाद दोपहर को 3 बजे मुझे रास्ता साफ मिला, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि अब ये रास्ता क्रॉस हो सकता है, कट सकता है ये रास्ता. सुबह से तो बहुत थक गए थे और श्रीनगर अब बहुत दूर नहीं है. ऐसा लग रहा है कि श्रीनगर क्रॉस करके मैं कहीं आगे उसके रुकूंगा बिकॉज नेक्स्ट डे मुझे लेह पहुँचना है. अगर मैं लेह रात तक शाम तक नहीं पहुँचा तो दूसरे दिन भी मुझे परमिट लेने में परेशानी होगी. सो ये सब फिर सिलसिला चलता रहेगा. जवाहर टनल से निकलने के बाद बहुत अच्छी फीलिंग आती है. 3 किलोमीटर के आसपास का ये लंबा टनल है और सफोकेशन जैसा होने लगता है अंदर अगर आपको लाइट नहीं दिखती है और एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, बट फिर भी सांस लेने में थोड़ी परेशानी होती है अंदर. अब यहाँ से जो श्रीनगर है वो 90 किलोमीटर रह जाता है और कहीं पर भी रुकना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, सीधा श्रीनगर जाना है बिकॉज श्रीनगर में नहीं रुकना है मुझे फिर, वरना ले पहुंचने में 2 दिन हो जाएंगे. श्रीनगर से फिर वापस कारगिल कहीं रुको और कारगिल से फिर ले. मुझे श्रीनगर से थोड़ा आगे चला जाना है, एटलीस्ट सोनमार्ग. तो सोनमार्ग में आज सोनमार्ग में जाके रुकना चाहता हूँ. अब यहाँ पे ये हाल है कि अगर आर्मी का
कॉन्वॉय आ रहा है तो ये लोग ट्रैफिक बंद कर देते हैं। श्रीनगर और जवाहर टनल के बीच में दो बार मुझे ये चीज़ फेस करनी पड़ी। दो बार हम लोग साइड में रुके थे और यहाँ पे कहीं पे तो रुकने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है, बिकॉज़ ये सबसे सेंसिटिव एरिया है, जो घाटी बोलते हैं वो एरिया है। आसपास से कहीं से भी बिल्कुल पाकिस्तान की बॉर्डर नज़दीक लग रही है, बिकॉज़ चप्पे चप्पे पे आर्मी वाले खड़े हैं, देख सकते हैं आप। अब ये मैंने श्रीनगर बाईपास ले लिया है, श्रीनगर जो शहर है, जो सिटी है, वहाँ पे नहीं जाऊँगा मैं। और जो बाईपास है वो फोर लेन है, कहीं कहीं पे काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट ये रास्ता बहुत अच्छा है, ट्रैफिक नहीं मिलेगा आपको उतना जितना शहर में मिलता है। और मेरा श्रीनगर में रुकने का कोई मन नहीं है आज, इसके लिए मैं इधर से श्रीनगर को बाईपास करके चला जाऊँगा। एक्चुअली आर्मी की गाड़ी से एक स्कूल बस को या तो स्कूल वैन को टक्कर लग गई थी और किसी को कुछ हुआ नहीं था, बट भीड़ जमा हो गई थी, इसके लिए ट्रैफिक जाम हो गया था वहाँ पे। वाह, एक और टॉल और फिर से मैं यहाँ से फ्री में निकल जाऊँगा, बिकॉज़ बाइक लेके आए हैं और जो कार वाले हैं वो उनको इस रास्ते पे भाई टॉल देना पड़ेगा, लेफ्ट साइड से निकल के निकल लो भाई। एक्चुअली ये रास्ते पे राइड करने में बहुत मज़ा आया था, बारिश हुई थी, बादल थे और कहीं कहीं से हल्की हल्की धूप निकलती थी, तो वो नज़ारा बहुत ब्यूटीफुल लगता था। श्रीनगर यहाँ से बहुत नहीं रह गया है, 20-25 किलोमीटर्स रह गया है और शाम के 4:30 बज रहे हैं, 4:30 हो रहे हैं। मैं श्रीनगर तो क्रॉस कर लूँगा और सोनमार्ग पहुँच जाऊँगा। सो एग्जैक्टली हम लोग अभी श्रीनगर जो शहर है, सिटी है, वहाँ पे आ गए हैं और राइट साइड पे लाल चौक जाने का रास्ता है, तो लाल चौक जाने के बाद जो फेमस लाल चौक है वहाँ जाने के बाद फिर आपको दल लेक बहुत नज़दीक पड़ता है वहाँ से, मतलब वो शहर ही आ जाता है फिर तो। और अगर आपको दल लेक जाना है तो इस रास्ते से जाइएगा, मैं ये रास्ता आपको सजेस्ट करूँगा, बिकॉज़ जो दूसरा रास्ता है, जो घाटी वाला रास्ता है, वो बहुत मतलब डर लगने वाला रास्ता है कि अगर आप कपल हो तो आपको वो सेफ़ नहीं लगेगा और अकेले भी आपको वो रास्ता सेफ़ नहीं लगेगा, वहाँ के लोग आपको घूरते रहते हैं। एक इंसिडेंस हुआ था मेरे साथ जब मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी वाइफ के साथ जा रहा था और मैंने ये रास्ता नहीं लिया था, मुझे एक चार्जिंग केबल लेना है, मैंने एक पीछे मोबाइल शॉप देखी है, बिकॉज़ मेरा जो चार्जिंग केबल था वो मतलब दब गया है और चल नहीं रहा है अच्छे से। यहाँ पे रुकने में उतनी अच्छी फीलिंग तो नहीं आ रही है, फिर भी आई हैव टू बाय। पेन फेंक रहा है, वियर्ड लुक दे रहा है, पता नहीं ये लोग क्या समझते हैं और इसीलिए ये लोग इसी हालत में है, सही है। सो श्रीनगर से आप थोड़ा ही आगे जाओगे, 5 या 10 किलोमीटर जाने के बाद आपको यहाँ से राइट टर्न लेना है, लेह यहाँ से 436 किलोमीटर्स दिखा रहा है। यहाँ से ये रास्ता अभी सिंगल रोड हो जाएगा, मतलब कि डबल ट्रैक होगा, 4 ट्रैक रास्ता आपको अभी सोनमार्ग लेह तक कहीं पे भी आगे नहीं मिलने वाला है। कुछ देर तक ये रास्ता ऐसे ही रहता है और उसके बाद बहुत अच्छा, जैसे शहर ख़त्म होता है रास्ता बहुत सिनरिक और ब्यूटीफुल हो जाता है। It's a full rainbow there. Can you see the whole ring?
The whole ring is visible. सोनमार्ग अभी रह गया है 4 किलोमीटर्स ओके। और ये जो बर्फ है, इतनी ज़्यादा बर्फ मैंने सोनमार्ग में पहले कभी नहीं देखी। ये साल हर जुमला में तो बहुत मज़ा आने वाला है।